लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। लोक निर्माण मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आए उज्जैन। प्रभारी मंत्री ने मयूर वन का किया भूमि पूजन। नसलगंज क्षेत्र के वन परिक्षेत्र लाड़कुई में वन भूमि पर हो रहा अवैध कब्जा, जमीन को बना रहे खेती के योग्य। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़कुई में वितरित की निःशुल्क साइकिल, योजना के अंतर्गत साइकिल मिलने से बच्चों में दिखा उत्साह। लोक निर्माण मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज उज्जैन आए। उज्जैन आगमन के दौरान उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के पश्चात प्रभारी मंत्री ने मयूर वन का भूमि पूजन किया, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण किया जा सकेगा। देखभाल के अभाव में उजाड़ होती जा रही विक्रम वाटिका के भी अब दिन फिरने वाले हैं। विक्रम वाटिका मयूर वन के नाम से जानी जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ न केवल मोरों की मीठी आवाज गूंजेगी बल्कि मोर नाचते नजर आएंगे। दरअसल नगर निगम ने विक्रम वाटिका को मयूर वन के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई है। प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विक्रम वाटिका को मयूर वन के रूप में विकसित करने की योजना का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक नगर निगम का अच्छा प्रयास है, इससे न केवल राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण होगा बल्कि यह स्थान लोगों के घूमने फिरने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्रभारी मंत्री के मुताबिक जुलाई में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में पूरे प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा। बोल महाकाल महाराज की जय। बोल गजानन नरपति महाराज। उसी के साथ जिलों में विकास कार्यों की क्या गुंजाइश और आवश्यकता है, उसके लिए वर्किंग की जाएगी। उन्होंने नीमच जेल से चार कैदियों के भागने की घटना को गंभीर माना और कार्रवाई की बात की। मयूर वन की सौगात देने आया था, कुछ सड़कों का निर्माण हुआ उस संदर्भ में भी मैं आया था। एक ही जगह पे कार्यक्रम हम लोगों ने किया और ये मुझे खुशी भी है और गर्व भी है कि उज्जैन के मध्य में, उज्जैन शहर के मध्य में मोर जैसे राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण का काम उज्जैन नगर निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। वरना ये प्रजाति भी लुप्त होती जा रही है, शहरों से गाँव में भी बड़ी यदा कदा देखने को मिलती है। और जब सुबह हम उठते हैं और मोर की वो आवाज़ निश्चित रूप से हमें आनंदित करती है। और ये वर्षा काल का समय आरंभ हो गया है, वर्षा काल में जब मोर अपना नृत्य करता है उससे अद्भुत दृश्य शायद कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ हमारे उज्जैन शहर के लोग आके विचरण भी करेंगे और उन पक्षियों का आनंद भी लेंगे और नेचर प्रकृति का आनंद। विधानसभा चालू होने वाली है जुलाई में और जिलों का मसला बाद में आता है, पहले समग्र मध्य प्रदेश का विकास का खाका खींचा जाता है। फिर हम लोग जो देखते हैं प्रभार के ज़िले में कहीं कमी बेसी है, उस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समस्या शार्ट आउट हो और जिस ज़िले का प्रभार है उन लोगों को जनहित की योजनाओं का लाभ मिले। ये तो धार्मिक नगरी है, विश्व के नक्शे पे है उज्जैन और यहाँ पे शिप्रा अपने सही रूप में बहे, पानी कलकल करता हुआ बहे, लोगों को दिखे, ये पहली प्राथमिकता है। अभी तो सिर्फ टेस्टिंग हुआ है, अब हम लोग आएंगे NVDA के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को एक संयुक्त बैठक लेके
विधिवत तरीके से उसका लोकार्पण करेंगे ताकि शहर की जनता को उसका लाभ मिल सके। उज्जैन से प्रदीप मालिक की रिपोर्ट। नसलगन क्षेत्र के वन परिक्षेत्र लाड़कुई अंतर्गत आने वाले सरकील नयापुरा में इन दिनों अवैध कटाई और अवैध वन भूमि पर कब्जा कर वन भूमि को खेती योग्य बनाने का सिलसिला जारी है। सरकील नयापुरा के बीच सिराड़ी के कई एकड़ वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर खेती योग्य बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि इसमें वन रक्षक अमर सिंह रावत की मिलीभगत से वन भूमि पर अवैध कब्जा कराकर खेती कराई जा रही है। गौरतलब है कि सिराड़ी नाके से महज 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति द्वारा मुनारे के अंदर वन भूमि के पेड़ों को काटकर खेती योग्य बनाया गया है, जिस पर वन रक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे उसकी मिलीभगत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा ने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। कार्रवाई की जा रही है और यदि आपने संज्ञान में लाया है तो मैं दिखवाता हूँ उसको। और अवैध कटाई का मामला है तो हमने पिछली रात को जो है 3 मोटरसाइकिलें जब्त की है और 10 सिल्ली जब्त की है। कार्रवाई जारी है और उड़न दस्ता बना रखा है। मानसून व्यस्त चल रही है और किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाए। नसलगन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़कुई में निःशुल्क साइकिल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण की गई। शासन की इस योजना के तहत साइकिल मिलने से छात्राओं में उत्साह देखा गया। आयोजन में पहुंचे मुख्य अतिथि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा के हाथों साइकिल की चाबी पाकर स्कूली छात्राएं बेहद प्रसन्न दिखी। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि साइकिल मिलने से दूर दराज से स्कूल आने वाली छात्राओं को अब स्कूल आने में परेशानी नहीं होगी और छात्राएं अब समय पर स्कूल आ पाएंगी। नसलगन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के समतर थाना कस्बा के मोहल्ला नई बस्ती में टीवी में शॉर्ट सर्किट होने पर घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर का सामान उसे अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। विदिशा के अरिहंत विहार कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। मकान मालिक अरुण वाजपेयी का कहना है कि उनकी वाइफ बच्चों को छोड़ने के लिए कोचिंग गई थी। इस दौरान घर पर कोई नहीं था और घर पर ताला लगा हुआ था। कोचिंग से लौट रही उनकी वाइफ ने जब घर आकर देखा तो पाया कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और अलमारी में रखे 10 लाख नकद और 20 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब थी। करीब 32 लाख की चोरी की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। #2 में मकान नंबर 165 क्या हुआ है? चोरी हुई है घर में। कैसे हुई चोरी, क्या पता है, मतलब कितने बजे की ये घटना है, कितना आप 3 बजे को चोरी हुई है क्या? जी 3 बजे की घटना है, 3 बजे से लेकर 4 बजे, 1 घंटे के बीच की। कितनी राशि यहाँ से गई है? 25-30 के करीब राशि गई है। कैसे क्या देखा आपने जी? क्या देखा यहाँ पे, मतलब किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है किसी? अब वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेन गेट का ताला लगा हुआ है और अंदर का ताला तोड़ के अंदर गया है। वो मेन गेट का ताला लगा हुआ है, बाद में वाइफ ने ही ताला लगाया था, वाइफ ने ही आके खोला है उसको, अंदर कैसे गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरियन बिहार में रहती हूँ, सेकेंड हाइस में। मैं आज 3:45 अपने बेटे को छोड़ने ट्यूशन गई थी और लॉक वगैरह सब लगा के गई थी। नीचे का लॉक मुझे लगा मिला और जब मैं अंदर आई तो नीचे का कमरा पूरा फैला था। जब मैं ऊपर आई तो ऊपर का कमरा पूरा फैला हुआ था। गोदरेज टूटी हुई थी जिसमें 10 लाख रुपये नकद थे और 20-22 के लगभग मेरी सारी ज्वेलरी थी जो मेरे को वहाँ पर नहीं मिली। टोटल कितने? टोटल 30-31-32 के लगभग इतना सामान मेरा था। ये इसमें अरुण वाजपेयी जी हैं, इनका 162 नंबर का मकान है अरियन बिहार में। अभी दोपहर में करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच में
इनकी वाइफ मकान में ताला लगाती रही थी। जब वो लौट के आई तो ताला यथावत था, उन्होंने अपना ताला खोला, लेकिन अंदर से उनका कुछ सामान जो है वो गायब। वो सामान में उनका ऐसा कहना है कि कुछ ज्वेलरी है सोने की और नकदी पैसा भी है। वो कितना है एग्जैक्टली वो अभी उनको पता नहीं है, और वो थोड़ी देर में उसकी FIR भी हो रही है, तो वो देख के फिर बताएंगे। और उसमें हम मौके पे गए थे, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पे गए थे। हम लोगों ने उसमें अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और पता रसी कर रहे हैं कि चोरी कैसे हुई है, और कोशिश करेंगे कि उसका जो है चोरों का पता लगाए। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।